डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर ट्वेंटी एंड वीअर गु ट अबाउट साइको डायनामिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक ओवरव्यू और हम एक लीडर के इनर वर्ल्ड के ऊपर फोकस वो करेंगे इनर वर्ल्ड आमतौर पर उसके बारे में कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब यह है कि बाजात जब हमें इनर वर्ल्ड का अनालिसिस करना नहीं आता हम इनर वर्ल्ड की डेवलपमेंट को समझ नहीं पाते तो वह हमारी नजरों से पोषिदा हो जाता है और हम उसकी इंपॉर्टेंस को भी नजरअंदाज वो कर बैठते हैं अब अगर हम लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में इस बात को सोचें कि साइको डायनेमिक कॉन्सेप्ट किस तरह डेवलप हो रहे हैं तो वी हैव टू सी विद इन जो वर्ल्ड है एक शख्स का वो किस कदर इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर जितनी भी तहकीक हो रही है दैट इज मोर और लेस फोकसिंग अपॉन द स्पिरिचुअलिटी एट द वर्क प्लेस एज वेल जिसमें कि हम इनर वर्ल्ड इनर फीलिंग्स इनर इमोशंस उसके ऊपर फोकस अपना वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक पूरी दुनिया इंसान के अंदर भी आबाद है जिसमें के इमोशंस हैं जिसमें के ताल्लुक और मामला की एवेल्यूशन हैं जिसमें के बहुत सी हकीकतें हैं जो कि आउटर वर्ल्ड के साथ एसोसिएटेड बाजुकात नहीं भी होती और बाजुकात हम उनको एवेलुएट भी नहीं कर पाते और उस एवेल्युएशन ना होने की वजह से लोगों की सोच कैसे डेवलप करती है लोग कैसे बिहेव करते हैं क्यों कर बिहेव करते हैं लोगों के आपस के मामलों में जो ग्रुप डायनामिक्स क्रिएट होते हैं वो क्यों होते हैं तो हम बहुत से क्यों का जवाब वो नहीं ढूंढ पाते अगर हम साइको एनालिसिस करना ना जाने देयर फोर हमें इनर वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस को समझना है सेकेंडली बहुत सी डिसिप्लिन और बहुत से स्टडीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी न्यूरोसाइकोलॉजी साइकोथेरेपी से डेवलप हो रही हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन्स आ रही हैं जो हमें ये बता पाती हैं कि साइकोडायनामिकली हाउ पीपल थिंक बिहेव एंड एक्ट ये बिल्कुल उसी तरह की डेवलपमेंट है जिस तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जिक्र करें तो वी टॉक टॉक अबाउट फाइव डिसिप्लिनस कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इन तमाम का अमल दखल है और वहां से जब हम इन डिसिप्लिन की डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सोसाइटी पिक करके उसके अंदर होने वाले बिहेवियर्स को स्टडी वो कर पाते हैं सो so, ये तमाम डिसिप्लिनरी फील्ड्स एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं कि हम किस तरह से साइको एनालिसिस कर सकें साइको डायनामिक अप्रोच को समझ सकें एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमर इस बात में पोषीदा है कि वाई पीपल बिहेव द वे दे डू कि वो इस बात को जान पाए कि लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं जो उसके मेंबर्स हैं वो क्यों कर किसी तरह से बर्ताव करते हैं उनके बिहेवियर्स में क्या क्या बातें पोशीदा हैं उनके एक्ट्स में वो कौन कौन से राज हैं कि जिनको शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं तो हर शख्स जब दूसरे शख्स से इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के बैकेंड के ऊपर बहुत सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और रीजनिंग वो शामिल है और उन लॉजिक्स एंड रीजन के भी के ऊपर हमारे पास इमोशन एंड मूड्स उनको समझना भी जरूरी है इस टर्म का रेफरेंस देना मैंने जरूरी इसलिए समझा किन ऑफ कॉरपोरेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को भी एज अ ह्यूमन बींग पिक करते हैं जैसा कि उसका हेड इज द अपर हरार ज द टॉप मैनेजमेंट ऑपरेशनल कोर सपोर्ट स्टाफ तो हमने एक एसोसिएट किया और ह्यूमन बॉडी में जैसा कि टॉप मैनेजमेंट इज थिंकिंग इसी तरह ह्यूमन हेड इज थिंकिंग और उसके बैकएंड के ऊपर बहुत सारी हमारे पास साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर जब हम इस साइको अप्रोच को यूज करते हैं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फैसलों को कैसे कर पाती है एक ऑर्गेनाइजेशन का बर्ताव दूसरी के साथ वो कैसे डेवलप कर रहा है। आया और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद अदर्स तो ये तमाम चीजें साइकोडायनामिक में काउंट वो होती हैं। द सेकेंड थिंग वी नीड टू थिंक अबाउट जब हम साइकोडिक्स का जिक्र करेंगे कि इजेशनल मेंिकॉज एक ह्यूमन माइंड हर वक्त एक मूड या एक कैफियत में नहीं रह पाता बहुत सारे इमोशंस और परस्पेक्टिव हैं जो कि असरअंदाज हो रहे होंगे एक शख्स की सोच पर एक शख्स के अंदाज पर एक शख्स के बर्ताव पर सो कॉग्नेटिव कॉन्टेक्ट में जब हम बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं और इफेक्टिव कंसर्न में जब हम इमोशन एंड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हमें यह देखना पड़ेगा कि लीडर

उसकी उम्र जो बीती कहाँ पर बीती किस माहौल में उसने सर्वाइव किया उसके सरकम कैसे थे बिकॉज ये तमाम चीजें मिलजुल कर उसकी सोच को डेवलप वो कर रही होंगी एक शख्स के लाइफ के जो इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उसकी सोच उसके प्रस्पेक्टिव उसके बिहेवियर उसके इमोशन एंड मूड्स को और इन चीजों को हम क्लिनिकली क्वालिटेटिवली क्वानिटेटिवली स्टडी वो करते हैं एंड देन वी ऑल्सो नीड टू लुक एट द अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कि जिनके बारे में बाजुकात इंसान को खुद भी इतराक नहीं होता कि वो ऐसे क्यों कर रहा है ऐसे क्यों सोच रहा है सो so, उसके अनकॉन्शियस जो माइंड हैं उनको भी हमें हेल्प मिलती है को अंडरस्टैंड करने से और हम ये समझ पाते हैं कि लोगों के बर्ताव लोगों के बिहेवियर्स उनके रिएक्शन उनके प्रोएक्टिव अरेंजमेंट्स वो सिर्फ एक लम्हाती बुनियाद पर नहीं है बल्कि उसके पीछे एक पूरी तारीख एक पूरी स्टोरी वो पोशीदा है इनर वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस वो किया जाता है बिकॉज इंसान का जो इनर एस्पेक्ट है उसकी जो स्पिरिचुअलिटी कंसर्न्स हैं, उसकी जो माइंड वर्किंग्स हैं, वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज वो हो रही होंगी सो इनर वर्ल्ड ऑफ लीडर्स की जब हम बात करें तो इट इज सेड कि द लीडर हैज टू क्रिएट एंड टॉक अबाउट एंड डिवेलप एंड नर्चर एंड इनर थिएटर इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे है जैसे शेक्सपियर ने एक दफा कहा था कि दिस वर्ल्ड इज ए थिएटर एंड वी आर ऑल एक्टर्स एक्टिंग अपॉन इट सो बिल्कुल उसी तरह इनर वर्ल्ड के अंदर एक पूरी दुनिया है लीडर के कॉन्टेक्स्ट में उसके जहन में एक पूरा एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वो अमल दरामद हो रही होती हैं उस इनर थिएटर के अंदर जो उसका इनर वर्ल्ड है उसमें सिर्फ एक फिजिकल एक मेटाफिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द थिएटर नहीं है एक स्टेज नहीं है जिसमें कि उसकी सोचे हैं वहां पर उसको एक बेसिक स्क्रिप्ट भी खुद लिखना है उसको यह भी देखना है कि उस जिंदगी के में वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करेगा किस तरीके से अपनी सोचों को डेवलप करेगा किस तरीके से वो अपनी जात को भी वो डायरेक्शन दे पाएगा तो उसका जो इनर स्क्रिप्ट है विच इज टू ऑन द इनर थिएटर दैट इज बेसिकली गोइंग टू अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ थॉट थर्ड थिंग इज कोर रिलेशनशिप थीम्स कोर फिट रिलेशनशिप थीम्स ऐसे हैं जिनमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं हर शख्स हम में से यूनिक है हर शख्स के सोच के अंदाज वो डिफरेंट हैं और हर शख्स जब दूसरों से इंटरेक्ट करता है तो वो अपने परस्पेक्टिव में अपने इनर थिएटर और अपने इनर स्क्रिप्ट के हवाले से वो इंटरेक्ट करता है उसके परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें हैं और उन परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट से वो दूसरों की परसेप्शन को कैसे इफेक्ट वो कर पाता है

कि वो अपने मेंबर्स को कैसे कैलकुलेट करेगा कैसे जान पाएगा कि उसने नीड्स के साथ एसोसिएशन थॉट्स की की और फीलिंग्स वो कैसे डेवलप करनी है इसी के साथ साथ जब हम नीड्स का जिक्र कर चुके हैं तो वी नीड टू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पीपल हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एलोंग विद दैट हर शख्स के साथ कुछ उसके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हर शख्स के साथ कुछ ऐसे मामला हैं जिनको वो नहीं समझ पाता कि उसके साथ ये मामला क्यों हैं सो ब्लाइंड स्पॉट्स को जिक्र मिलाने के लिए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है एंड दैट मॉडल वुड बी वु इन नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज जोहारी जोहारी विंडो विंडो लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द आर जोहारीटन इमोशन एंड एक्सपीरियंस विच आर सर्कलिंग द ऑफ द लीडरशिप और उन एमोशन एंड एक्सपीरियंसिस को समझना एक लीडर के लिए जरूरी है ताकि वो उनकी बुनियाद को उनकी डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड वो कर सके जब हम जोहारी विंडो की बात करते हैं तो जोहारी विंडो हमें दो परस्पेक्टिव में इंफॉर्मेशन देती है एक हमारी अपनी जात है और एक उस जात से एसोसिएटेड दूसरे लोग हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हम अपने बारे में नहीं जानते इनको हम एक्सक्सेस पर ले रहे हैं इस मॉडल में जिनको हमने नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू सेल्फ के नाम से रिलेट किया इसी तरह कुछ चीजें हैं जो कि दूसरों के साथ व्यवस्था है हमारे बारे में अब इन और X के जो पैरामीटर्स हैं इनको अगर हम को रिलेट करें तो हमारे पास चार सिचुएशंस आती हैं द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नोन टू सेल्फ हमें भी मालूम है और दूसरों को भी मालूम है इसको हम कहते हैं ओपन सेल्फ कुछ ऐसे मामला हैं जो हमें अपने बारे में नहीं मालूम लेकिन दूसरे हमारे बारे में जानते हैं वो हमारे लिए ब्लाइंड सेल्फ है इसी तरह कुछ ऐसे मामला हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते वो हमारी जिंदगी का पोशीदा पार्ट है जिसको हम हिडन सेल्फ का नाम देते हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जो ना हम अपने बारे में जानते हैं और ना दूसरे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं हमारे लिए उसको हम अनोन सेल्फ कहते हैं

ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में अपने फॉलोअर्स के साथ बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उनकी सोच भी क्यों कर डेवलप हो रही है और उस सोच के बैकेंड के ऊपर कौन कौन से अवामिर हैं जो कारफरमा हैं। थैंक यू